Good morning class. This is our new anaphysio class in which today we will study about the remaining portion of reproductive system, female reproductive system, in which today we will study about the uterus and uterine tubes. देखिए यूटरस जो है उसकी तीन लेयर्स होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम. आउटर से इनर, आउटर मोस्ट पैरी, बीच में मायो और सबसे अंदर एंडोमेट्रियम, तीन लेयर्स हैं. पेरीमेट्रियम जो है ये यूट्रस की वेरियस सरफेस पर डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, एक जैसी नहीं रहती, अलग अलग, कहीं कम कहीं ज़्यादा. एंटीरियरली तो ये फंडस के ऊपर और बॉडी पर, फंडस और बॉडी के ऊपर जहाँ पर कि यूरिनरी ब्लड के अपर सरफेस पर फोल्ड होते हैं, मतलब फोल्ड होती है वहाँ पर ये जा कर के यूरिनरी ब्लैडर के अपर सरफेस पर ये फोल्ड होती है. इस फोल्ड को, पेरिटोनियम के इस फोल्ड को, फोल्ड जो है ये वैसिको यूटेराइन पाउच बनाता है. मैं देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं. पेरीमेट्रियम जो आउटर मोस्ट लेयर है, तो जो पेरिटोनियम है ये यूट्रस के अलग अलग सरफेस पर अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है. एंटीरियरली जो है ये फंडस और बॉडी के ऊपर रहती है जहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर के अपर सरफेस पर फोल्ड होती है. इस पेरिटोनियम के फोल्ड से वैसिको यूट्राइन पाउच बनता है, जबकि पोस्टीरियरली यही पेरिटोनियम जो है वो फंडस को कवर करती है, फंडस को, बॉडी को और सर्विक्स को कवर करती है. फिर बैक साइड में फोल्ड होती है रेक्टम के ऊपर और क्या बनाती है, रेक्टो यूटेराइन पाउच. तो एंटीरियरली बनाती है वैसिको यूटेराइन पाउच और पोस्टीरियरली ये बनाती है रेक्टो यूटेराइन पाउच, जिसको आप डगलस, पाउच ऑफ डगलस भी कहते हैं. तो ये स्ट्रक्चर देखिए भाई, सैक्रम दिखाए गए, ये रेक्टो यूटेराइन पाउच, ये आगे की तरफ झुक करके, तो रेक्टो यूटेराइन पाउच, डगलस का पाउच जिसको कहते हैं. और यही पीछे की तरफ ये बड़ी वाली स्ट्रक्चर को देखिए जो आपको दिख रही है ना, ये रेक्टो यूटेराइन पाउच और ये पीछे की तरफ वैसिको यूटेराइन पाउच बना रही है. पीछे की तरफ क्या बोलें, बल्कि एंटीरियर सरफेस और पोस्टरल सरफेस की अपन बात कर रहे हैं. बाकी तो ये स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ ही लिए थे. ये पूरी पेरिटोनियम बताई गई है, ये रेड बाउंड्री के साथ येलो, ये यूट्राइन ट्यूब को, ओवरी को, यूट्रस को कैसे ये कवर कर रही है, पूरी चीज़ इसमें डायग्राम में बताई गई है. अब दूसरी लेयर है मायोमेट्रियम, ये थिकेस्ट लेयर होती है टिश्यू की यूट्राइन वॉल में. यूट्राइन वॉल में टिश्यू की थिकेस्ट लेयर है. स्मूथ मसल फाइबर का एक मास है जो कि एरियोलर टिश्यू से इंटरलेस्ड रहता है. एरियोलर टिश्यू ब्लड वेसल्स और नर्व से ये इंटरलेस्ड रहता है. थिकेस्ट लेयर है, स्मूथ मसल फाइबर की मास से बना होता है, इसमें एरियल टिश्यू, ब्लड वेसल्स, नर्व्स जो है धसे हुए रहते हैं. एंडोमेट्रियम कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है. ये म्यूकस सिक्रेटिंग ट्यूबुलर ग्लैंड्स की बनी होती है, म्यूकस सिक्रेटिंग ट्यूबुलर ग्लैंड्स की बनी होती है. अब इसमें ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज और नर्व सप्लाई कैसी है भाई, आर्टेरियल सप्लाई, यूटेराइन आर्टरीज जो है, जो कि इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है, वो यूट्राइन आर्टरी इसको सप्लाई करे. वीनस ड्रेनेज, ये इंटरनल इलियक वेन के अंदर ड्रेन होता है. लिम्फ ड्रेनेज में डीप और सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स जो हैं लिम्फ को ड्रेन करती हैं यूट्रस में और यूटेराइन ट्यूब में एओर्टिक लिम्फ नोड तक, एओर्टिक लिम्फ नोड और ग्रुप ऑफ नोड्स तक जो कि इलियक ब्लड वेसल से जुड़ी हुई होती है, वहाँ तक ये इसको यूट्रस से यूट्राइन ट्यूब से लिम्फ जो है वो ड्रेन हो रहा है. लिम्फैटिक वेसल्स, डीप सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स लिम्फ को ड्रेन कर रही है, यूट्रस से यूट्राइन ट्यूब से निकाल करके कहाँ डाल रही है, एओर्टिक लिम्फ नोड और ग्रुप ऑफ नोड्स जो कि ब्लड वेसल्स, इलियक ब्लड वेसल से एसोसिएटेड है, वहाँ पर ड्रेन कर रही है. तो देखिए इंटरनल इलियक आर्टरी से यूटर की ब्रांच जो है यूट्राइन आर्टरी के द्वारा इसको सप्लाई कर रही है. इंटरनल इलियक वेन में ये इसका वीनस ड्रेनेज होता है और डीप और सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स जो है वो लिम्फ को, यूट्रस यूट्राइन ट्यूब से लिम्फ को ड्रेन कर रही है एओर्टिक लिम्फ नोड और ग्रुप ऑफ नोड्स के अंदर जो इलियक ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ है. अब यूट्रस के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स देखिए. यूट्रस को सपोर्ट मिलता है पैल्विक कैविटी में, सराउंडिंग ऑर्गन्स और पैल्विक फ्लोर के मसल्स और लिगामेंट्स के द्वारा. पैल्विक कैविटी में यूट्रस को सपोर्ट किससे मिल रहा है, सराउंडिंग ऑर्गन्स, पैल्विक फ्लोर की मसल्स और लिगामेंट्स के द्वारा, जो कि इसमें
पेल्वी की वॉल से सस्पेंड रहती है, द सस्पेंड इट जो कि इसको सस्पेंड रखती है पेल्विक की वॉल से, इसको यूट्रस को सस्पेंड रखती है। अब ब्रॉड और राउंड लिगामेंट इसमें होते हैं। ब्रॉड लिगामेंट दीज आर फॉर्म्ड बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम का जब डबल फोल्ड होता है तो उसे ब्रॉड लिगामेंट बनता है जो कि यूट्रस के हर एक साइड पाया जाता है, जबकि राउंड लिगामेंट वो फाइब्रस टिश्यू के बैंड्स हैं जो कि ब्रॉड लिगामेंट की दो लेयर्स के बीच में पाए जाते हैं। ब्रॉड लिगामेंट की दो लेयर्स के बीच में फाइब्रस टिश्यू के जो बैंड पाए जाते हैं वो राउंड लिगामेंट होते हैं। तो ये डायग्राम देखिए भैया, ये ओवरी का लिगामेंट दिखाया हुआ है एक साइड में, जबकि दूसरी साइड में फ्री ओवरी क्लियर ऐसे बताई हुई है, ओवरी के इनफंडिबुलम वगैरह। ये राउंड लिगामेंट देखिए, वहाँ ओवेरियन का लिगामेंट, यहाँ पर राउंड लिगामेंट बताया गया है। और इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये पेरीमेट्रियम है जिसको आप पेरिटोनियम भी कहते हैं। ये कवर्ड होती हुई दिखाई गई है, आधे में बताई नहीं गई है। ये ब्रॉड लिगामेंट नीचे की तरफ इसका देखिए इसको लिखा गया है कि ये ब्रॉड लिगामेंट है, ये कैसे कवर कर रहा है वो इस पिक्चर में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। अब यूट्रोसैक्रल लिगामेंट देखिए, ये जो है वो सर्विक्स की और वेजाइना की पोस्टर वॉल से ओरिजिनेट होता है। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट सर्विक्स वेजाइना की पोस्टर वॉल से ओरिजिनेट होता है, बैकवर्ड जाता हुआ ये रेक्टम के दोनों साइड से सैक्रम तक ये जा रहा है, जबकि ट्रांसवर्स सर्विकल लिगामेंट या कार्डिनल लिगामेंट ये दीज एक्सटेंड वन फ्रॉम ई साइड ऑफ द सर्विक्स एंड वजाइना। सर्विक्स वजाइना की हर एक साइड से ये एक्सटेंड होते हैं पेल्विक्स की साइड वॉल तक जाते हैं। तो ये तो हुआ आपके यूट्रस की एनाटॉमी आपने पढ़ी। देन यूटेराइन ट्यूब जिसको आप फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, यूट्रस के साइड से एक्सटेंड होती है फंडस बॉडी के बीच में। यूट्रस के साइड से ये एक्सटेंड होती हुई 10 सेंटीमीटर लंबी ये ट्यूब होती है, जो कि अपर फ्री बॉर्डर जो है ब्रॉड लिगामेंट का उसके अपर फ्री बॉर्डर पर होती है, और ट्रम्प्ट शेप्ड की लेटरल एंड पे ये दिखाई देती होती है। पोस्टल वॉल इसके पेंट्रेट द पोस्टल वॉल ओपनिंग इन टू द पेरिटोनियल कैविटी है। पोस्टल वॉल में पेंट्रेट होती है और पेरिटोनियल कैविटी में ये ओपन होती है, और ओवरी के पास में, पेरिटोनियल कैविटी में ये ओपन हो रही है ओवरी के पास में। हर एक ट्यूब का जो एंड होता है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिखाई देते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। ओवेरियन फिम्बरी जो लॉन्गेस्ट ओवेरियन फिम्बरी होती है वो ओवरी के बिल्कुल पास में होती है, ओवरी से जुड़ी हुई होती है ताकि ओवम को रिसीव कर सके। इसकी स्ट्रक्चर ओवेरियन ट्यूब पेरिटोनियम से कवर्ड रहती है। अभी पिछले डायग्राम में अपन ने दिखा पेरिटोनियम के ब्रॉड लिगामेंट से ये कवर्ड रहती है। इसमें मिडल लेयर होती है स्मूथ मसल की बनी हुई, सीलेटेड एपिथीलियम की इस पे लाइनिंग होती है। स्मूथ मसल की मिडल लेयर है, सीलेटेड एपिथीलियम की लाइनिंग होती है। ब्लड नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज बिल्कुल यूट्रस के जैसे ही होते हैं, जो अभी अपन ने यूट्रस में पढ़े थे। तो यही वाला डायग्राम ये देखिए, ब्रॉड लिगामेंट जो कि इस यूट्राइन कैविटी को कवर किए हुए, और यूट्राइन कैविटी के लंबे लंबे जो प्रोजेक्शन है वो ओवरी के बिल्कुल पास में उसको पकड़े हुए से चिपके हुए से दिखाई आपको दे रहे हैं। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है फंडस और बॉडी के बीच में, यूट्रस की साइड से निकलती हुई स्ट्रक्चर है ये। इसका काम क्या होता है यूट्राइन ट्यूब का, ये ओवरी से ओवम को यूट्रस तक धकेलने का काम करती है। ओवरी से यूट्रस तक ओवम को पेरिस्टाल्टिक और सीलियरी मूवमेंट के द्वारा ये धकेलने का काम कर रही होती है। इसके अलावा जो यूट्राइन ट्यूब का सीक्रीशन होता है वो ओवम और स्पर्मेटोजोआ दोनों को नरिश भी करता है, ओवम का फर्टिलाइजेशन भी करता है। यूट्राइन ट्यूब के अंदर ही ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है आपको पता है, और वहाँ पे ही जायगॉट बनता है। ये जायगॉट फिर जो है यूट्रस में जा कर के इम्प्लांट होएगा, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस जायगॉट का कहाँ चलेगा, यूट्रस में। तो भाई एक तो धकेलने का काम करी, दूसरा नरिशमेंट का काम करी, और तीसरा फ्यूज़न यही हो रहा है भाई ओवम स्पर्म का। तो बस ये यूट्राइन ट्यूब है। तो हमने यूट्रस भी पढ़ लिया, यूटेराइन ट्यूब भी पढ़ लिया, एनाटॉमी फिजियोलॉजी इनकी हो गई है। इजी है, सिंपल है, क्लियर है, क्योंकि अभी तो इंट्रोडक्टरी क्लास चल रही तो सिंपल है, ऐसे तो डिटेल क्लास की भी ज़रूरत नहीं है। तभी अगर आप याद करके इतना लिख देते हो अच्छे से पॉइंट वाइज तो भी आपको अच्छे से आपके मार्क्स मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, थैंक यू क्लास।